कैसा लगा बोलो ना बे। हाँ दिल तो तुम खुश करिए दिया एकदम से चुचना। अरे चुचिया क्या कहे इसको, क्या था ये मन नहीं लगता चला है आराम। ये मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ जी स्वागत करते हैं आज के इस न्यू एंड फ्रेश व्लॉग में। एंड इतनी सुबह एंड कितना बजे है 5:30, तो अभी तो सुबह ही बहुत ज़्यादा। एंड इतने सुबह नहा धो कर तैयार हो चुका हूँ मम्मी पापा को सरप्राइज़ देने के लिए। बेसिकली आप पिछले ब्लॉग से जान ही रहे होगे कि मैं अभी मोतिहारी रह रहा हूँ, क्योंकि यहीं पे कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है। तो मैं कोई प्लान नहीं था अभी घर जाने का, बट पैक मन हुआ है क्योंकि न्यू यहाँ पे मतलब नया नया हूँ तो ज़्यादा मन नहीं लग रहा, तो एक बैग प्लान हुआ है मेरा घर जाने का। तो फिर मैं जा रहा हूँ एंड सबको सरप्राइज देते हैं और रिएक्शन दिखाएंगे आप लोगों को कैसा होता है। फिलहाल तो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ट्रेन से ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी बार आ गया हूँ बस से ही गया हूँ। लेकिन रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ही नज़दीक है एंड बस स्टैंड थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो निकलते हैं आगे आपसे मिलते हैं। मे बी मैं आप लोगों को दिख भी रहा हूँ कि ये सुबह का नज़ारा है पूरा एकदम काला काला। एक मिनट मैं एडजस्ट करता हूँ। सो पूरा एक्सपोजर बढ़ाने के बाद भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कुहासा भी, इसलिए मैंने स्वेट टी शर्ट डाल दिया। फिलहाल तो निकलते हैं आगे। मोतिहारी एंड ये बाहर से ऐसा दिखता है। मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर एंड पहुंचते हैं घर एंड दिखाते हैं आपको रिएक्शन सबका। अभी जीत को कॉल कर रहा है एंड वेट कर रहा हूँ उसके आने का, उसे भी सरप्राइज देना है। उसे भी पता नहीं है मैं झूठ बोलकर उसे बुलाया है, बट देखते हैं आते तो कैसा उसका रिएक्शन रहता है। लगा कैसा लगा बोलो ना बे। हाँ दिल तो तुम खुश करिए दिया एकदम से चुचना। अरे चुचिया क्या कहे इसको, क्या था ये मन नहीं लगता चला है आराम। जा रहे सरप्राइज करने जीत एंड रोहन को, तो देखा ही आप लोगों ने एंड देखते हैं आगे क्या होता है। एक्सीडेंटली एक्सीडेंट। अरे वाह ये मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। बेसिकली मैं एक्चुअल जो रिएक्शन था उन लोगों का मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि उस समय मतलब नहीं हो पाता कि कैमरे से शूट किया, क्योंकि स्क्रिप्टेड होता नहीं है। तो फिर एक्चुअल जो रिएक्शन होता है उसे उस वक्त कैमरे में कैद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उस पल को आप देखते हो ना कि एज यू नो आई थिंक आप समझ सकते हो मतलब। सो नहीं मैं रिकॉर्ड कर, वरना दीदी का रिएक्शन तो और भी ज़्यादा एपिक था एंड
होप सो आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल।